हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के पार्ट टू को। और हम लोग का पार्ट टू का जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा ये बेस्ड रहेगा एक्स प्लस वन बाई एक्स, जो आपका क्वेश्चन आता है हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू कुछ, यहाँ पे आपका नंबर दिया रहेगा और आपसे फाइंड करने के लिए बोला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। और कई तरह से पूछेगा आपको, कभी एक्स क्यूब भी पूछ देगा, उसके बाद एक्स फोर या एक्स फाइव या एक्स सिक्स, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जहाँ तक रहता है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद कई सारे इसमें स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि आपका दिया रहेगा एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू आपका वन, और इसमें आप क्या एक्स का वैल्यू पुट करो। तो मतलब ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं इस टाइप से, तो हम लोग इस टाइप को कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्या आपका क्वेश्चन का डिमांड रहता है, कैसे हम लोग को अप्रोच लगाना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टी, मैं मान लेता हूँ t के जगह पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो जो आपका क्वेश्चन में डिमांड रहेगा, ठीक है। और आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बताओ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर फॉर्मूले से आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका। इसमें डायरेक्ट क्या फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, जो टी आपका गिवन रहेगा क्वेश्चन में उसका स्क्वायर करके यहाँ पे माइनस टू करना है। अब ये माइनस टू करना क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में टूटा हुआ है। तो यहाँ पे जब टू ए बी करोगे आप, तो एक्स इंटू में वन बाई एक्स कैंसिल आउट होकर आपका जो प्लस टू यहाँ रहेगा वो इधर जब इक्वल के जाएगा तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ से ही ट्रिक आया फ्रेंड्स। तो ये आपको याद करना है कि जहाँ पे भी आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू कुछ नंबर दिया हो और यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या करना है टी स्क्वायर माइनस में टू लगाना है, ठीक है। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपका एक्स प्लस वन बाई एक्स आपका अगर दिया हो तीन और आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या मैंने बताया इसका स्क्वायर करो, तो तीन का स्क्वायर किया मैंने, उसके बाद क्या करना है माइनस टू, तो यहाँ से आ गया आपका नाइन और माइनस टू किया तो ये आ गया टू, तो उसके बाद एग्जैक्ट आंसर आपका आ गया क्या सेवन। और उसके बाद सेम आपका ये पैटर्न बन सकता है कि यहाँ पे अगर आपका प्लस दिया हो और यहाँ पे अगर माइनस हो तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये भी आपका a प्लस बी का फॉर्मूले पे टूटा हुआ, बट ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो यहाँ पे जब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आप इसे तोड़ोगे तो यहाँ पे आपका माइनस टू ए बी लास्ट में जो बचता है टर्न, और ये जब कैंसिल आउट होने के बाद आपका इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मूला लगाना है, t का स्क्वायर प्लस का 2, मतलब कि जो भी आपका t गिवेन होगा उसका स्क्वायर करो, उसमें 2 जोड़ दो। जैसे कि सेम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू आपका दिया हो 3 और आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बताओ, तो क्या करना है इसका स्क्वायर करना है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है प्लस 2, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 11th, ठीक है। उसके बाद आपका क्या पैटर्न बन सकता है कि x प्लस वन बाई एक्स आपका दिया हो और आपसे पूछे क्या, तो आपको बोले कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बताओ, तो ये भी फॉर्मूले बेस्ड है फ्रेंड। तो इसमें आपको क्या ट्रिक लगाना है कि टी का क्यूब कर दो, ठीक है, टी का क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट आपको अप्रोच बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो, तो टी का क्यूब करो, उसके बाद क्या करो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे करो आप माइनस, और उसके बाद 3 और यहाँ पे करो आप टी। अब मतलब कि टी मतलब क्या, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में लेता हूँ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू आपका हो 3 और आपको फाइंड करना हो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको आप जो भी नंबर दे रखा होगा उसे आप टी मान लो, यहाँ पे ए बी कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे जब आपने इसका क्यूब किया तो 3 का क्यूब क्या होता है, तो ये हो जाएगा 27 माइनस का 3 इंटू में टी, टी क्या है मेरा 3, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 18। उसके बाद सिमिलरली आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है क्या, कि आपका एक्स माइनस का वन बाई एक्स आपका दिया हो और आपसे पूछा जाए एक्स क्यूब माइनस का वन बाई एक्स क्यूब बताएं, तो यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला क्या हो सकता है टी क्यूब, ये भी माइनस के वाले फॉर्म में टूटेगा, तो टी क्यूब यहाँ पे बस प्लस उसके बाद आपका 3t, ठीक है। टी क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है आपका, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू आपका हो 3 और आपसे पूछे एक्स क्यूब माइनस का वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा, इसका क्या करना है क्यूब, क्यूब किया 3 का क्यूब, उसके बाद प्लस करना है 3 इंटू में टी, टी हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो 3 है, जो भी नंबर दिया होगा उसे आप टी एज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3, यहाँ से जब इसे आप सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 27 प्लस में 18, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 36। तो इस तरह से हम लोग इस पैटर्न को देखें फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस पैटर्न को डिस्कस किया है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि x प्लस वन बाई एक्स अगर दिया हो तो टी स्क्वायर माइनस टू करना है,
उसके बाद अगर x माइनस वन बाय एक्स दिया हो तो हम लोग को क्या करना है, प्लस निकालना हो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या करना है टी स्क्वायर प्लस का टू करना है। इसी तरह अगर क्यूब दिया हो तो टी क्यूब माइनस में थ्री टी, अगर यहाँ पे प्लस हो तो उसके बाद यहाँ पे आपको माइनस करना है, और उसके बाद अगर यहाँ पे आपका माइनस हो तो यहाँ पे आपको प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक आपका पैटर्न और बन सकता है कि एक्स का पावर आपको पूछा जाएगा, एक्स का पावर फोर बताओ, एक्स का पावर फाइव बताओ, एक्स का पावर सिक्स बताओ, एक्स का पावर सेवन बताएं, तो हम लोग उसे भी डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन में देगा एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू टू, सॉरी टी मान लेता हूँ मैं पहले, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, और उसके बाद आपसे फाइंड करने के लिए बोला जाएगा एक्स के पावर फोर बताओ प्लस वन बाय एक्स के पावर फोर बताओ। अभी तक हमने एक्स स्क्वायर सीखा है, एक्स के पावर क्यूब सीखा है, उसके बाद फोर पूछेगा, कभी आपसे फाइव भी पूछ सकता है, कभी सिक्स भी पूछ सकता है, कभी सेवन भी पूछ सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपका सेवन तक है, ठीक है। एट पूछेगा तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं फोर कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स प्लस वन बाय एक्स, अब फोर निकालना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसका स्क्वायर निकालो। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स दिया हो और आपको एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले उसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था हमारा, हम जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया टी स्क्वायर माइनस का टू। और उसके बाद जब मेरा ये निकल गया तो हमको निकालना है फोर, तो यहाँ से आप देखो इसका स्क्वायर ही हो रहा है, तो दोनों सेम चीज़ है, यहाँ इसका स्क्वायर होकर स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बन रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये आपका फोर एक्स पावर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं बात करूँ कि x के जो पावर 4 प्लस 1 बाय x के पावर जो 4 होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, जो यहाँ से मेरा वैल्यू आएगा जो फाइनल में जो मैं एग्जूम करूँगा क्वेश्चन को, उसके बाद क्या करना पड़ेगा जो ये मेरा जो भी फाइनल का वैल्यू आएगा, मैं मान लेता हूँ इसको a पूरा का पूरा जो सॉल्व करने के बाद आएगा यहाँ पर टी जब क्वेश्चन आपका दिया रहेगा तो मैं मान लेता हूँ जो मेरा ये रहेगा उसका फिर स्क्वायर करके उसके बाद माइनस टू करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक बार स्क्वायर करो उसके बाद अगेन जो नंबर आएगा उसका फिर स्क्वायर करो। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं कि हमारा x प्लस वन बाय एक्स आपका दिया हो, ठीक है, x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू आपका दिया हो थ्री, और आपसे फाइंड करने के लिए बोले कि x के पावर फोर बताओ, सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा तीन का स्क्वायर करोगे और उसके बाद माइनस का टू करोगे तो यहाँ से आपका आ गया सेवन। तो जो आएगा नंबर वो आपका क्या हो जाएगा फाइनल में, ये टी हो जाएगा, या फिर आप उसे कुछ भी मान लो, ए भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया, उसके बाद आपको फोर निकालना है। फोर निकालने का क्या फॉर्मूला था कि इसका स्क्वायर निकालने के लिए जो भी फंडा पूछेगा अभी कभी भी आपको, तो माइनस का टू करना है। तो यहाँ पे जो आपका टी आया तो यहाँ पे जब आप फोर निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस का वन बाई एक्स सॉरी फोर, तो ये आपका सेवन्थ का स्क्वायर माइनस में टू, तो ये आपका आ जाएगा 47। तो यहाँ से आपका आ गया 47। फ्रेंड्स अगर इसमें आपको माइनस दे सकता है क्वेश्चन में, तो अगर आपको क्वेश्चन माइनस दे रखा हो कभी भी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपका टी है, ठीक है, टी तीन है, टी को मैं तीन एज्यूम कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन में आपका कुछ भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पाँच भी हो सकता है, मैं मान लेता हूँ आपका ये तीन है, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है क्या, पहले एक्स स्क्वायर निकालोगे तभी तो आप एक्स का पावर फोर निकाल पाओगे। तो यहाँ जब आप इसे निकाल रहे हो तो ये आपका फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस वन बाय एक्स और टी दिया हो नंबर कोई भी और आपको निकालना हो, इसका फॉर्मूला क्या था कि ए माइनस का बी का होल स्क्वायर में टूटेगा। यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, टी का स्क्वायर उसके बाद आपका क्या था प्लस, सॉरी हाँ प्लस का टू, ठीक है। तो जब इसका टी का स्क्वायर प्लस का टू आप कर रहे हो तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो तीन का स्क्वायर करोगे नाइन प्लस टू इलेवेंथ आ गया। ये आपके लिए क्या ए या फिर टी मैंने बोला था, यहाँ पे जो भी फाइनल में जो आएगा वो आप उसे मान लो। उसके बाद आपका जब ये निकल गया तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर आपका आ गया इलेवेंथ, और आपको इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एक्स के पावर फोर प्लस में वन बाय एक्स के पावर फोर, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो उसके बाद माइनस का टू करूँगा, मेरा वही फंडा पे तो आ गया ना एक्स प्लस वन बाय एक्स, और इसका निकालना रहता है जब हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस का टू। तो यहाँ भी हम लोग इलेवेंथ का स्क्वायर करके माइनस का टू करेंगे, यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आएगा, देखिए जब आपको ये दे रखा होगा कि एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू थ्री, और इसी तरह से हम लोग फोर हम लोगों ने जब देख लिया तो आपका जब पूछेगा कभी कभी कि एक्स फाइव प्लस वन बाय एक्स फाइव बताओ, तो इसमें आपको एक ट्रिक याद करना है। ट्रिक क्या याद करना है आपको, आपको यहाँ पे ये माइंड में रखना है टू पावर, ठीक है। मैं टू पावर पावर को मैं शॉर्ट में पी लिख दे रहा हूँ, पी डब्ल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, टू पी आर लिख देता हूँ, उसके बाद टू पावर हो गया। उसके बाद ये टू पावर जब हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है आपको थ्री पावर से। क्यों कराना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, थ्री पावर से। और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट मतलब कि टू पावर इंटू में थ्री पावर,
अब माइनस में क्या करो, वन पावर, वन पावर मतलब कि जो आपका गिवेन होगा, ठीक है। कैसे आपको अप्लाई करना है मैं बताता हूँ। टू पावर मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या करो, थ्री पावर मतलब एक्स क्यूब, जितना पावर मैंने बोला बस इसका आप उतना कर दो, ठीक है, एक्स प्लस वन बाय एक्स क्यूब। और वन पावर, वन पावर क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वन बाय एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पर आपका जो क्वेश्चन है पूछेगा उस पर आप पुट कर दो। आपका बोला क्या, एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू तीन, और आपसे पूछा है क्या, एक्स फाइव प्लस वन बाय एक्स फाइव। तो मैंने जो ट्रिक बताया आपको थोड़ी देर पहले अभी, कि जो क्या करना है आपको, टू पावर उसके बाद इंटू में थ्री पावर इजक्वल टू प्रोडक्ट, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्रोडक्ट आएगा हमारा, और उसके बाद क्या करना है, माइनस का वन पावर, मतलब कि एक्स प्लस वन बाय एक्स क्या हो जाएगा आपका, वन, इसमें कुछ नहीं तो इसका पावर वन है फ्रेंड्स, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। और टू पावर मतलब कि एक्स स्क्वायर, और थ्री पावर मतलब एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका एक्स स्क्वायर निकाल रहे होगे आप, तो इसका क्या आ जाएगा, सेवन था जाएगा। कैसे आएगा, तीन का स्क्वायर माइनस में टू करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सेवन। उसके बाद मल्टीप्लाई कराने के लिए इसका पावर थ्री निकालो, अगर इसका क्यूब निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तीन का क्यूब उसके बाद माइनस में थ्री टू, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एट्टीन, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया एक्स क्यूब कैसे निकाला था, तो यहाँ आपका क्या आ गया आपका एट्टी। उसके बाद जब इसे मल्टीप्लाई करो तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, जब इसे मल्टीप्लाई कराओगे सेवन इंटू में अट्ठारह, उसके बाद माइनस करना पड़ेगा आपको वन पावर, वन पावर मतलब एक्स प्लस वन बाय एक्स। तो यहाँ से जब आप इसे माइनस करोगे तीन, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स वन टू थ्री, ईजिली आ जाएगा, ओके। अब आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू थ्री दे रखा होगा क्वेश्चन में आपका, और आपसे पूछा जाएगा एक्स के पावर सेवन बताओ, ठीक है, यानी कि एक्स प्लस सॉरी एक्स के पावर सेवन प्लस वन बाय एक्स के पावर सेवन बताओ। इसमें आपका ट्रिक क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था फाइव के लिए क्या, कि फाइव के लिए मैंने बताया था क्या, एक्स फाइव के लिए तो बताया था मैंने कि टू पावर इंटू में थ्री पावर सॉरी टू पावर हाँ इंटू में थ्री पावर, उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा इसका, यानी प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद उसमें माइनस कर दो वन पावर। तो ये हमारा फाइव के लिए ट्रिक था, और सेवन के लिए हमारा क्या ट्रिक है, तो फोर पावर, ठीक है, आपको ये याद कर लेना, ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। फाइव और सेवन ये अक्सर एग्जाम में आपका टायर टू में पूछा जाता है, तो उसके बाद क्या करना है आपको, फोर पावर, यानी कि फोर पावर मैं लिख देता हूँ पावर, उसके बाद क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कराना है कि थ्री पावर से, ठीक है, थ्री पावर से। उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट में क्या आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, प्रोडक्ट कब आता है फ्रेंड, जब दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस का वन पावर, ओके। आपका ये ट्रिक था, और उसके बाद हम लोग अब इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू तीन, और सेवन निकालना है, तो हमारा जो ट्रिक था उस पर हम लोग अप्लाई करते हैं। फोर पावर मतलब क्या, कि एक्स का पावर फोर प्लस वन बाई एक्स का पावर में सॉरी फोर, हाँ, उसके बाद थ्री पावर मतलब कि क्या, तो एक्स क्यूब प्लस में वन बाय एक्स क्यूब, उसके बाद प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद आपको माइनस क्या करना, सॉरी यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स फोर इंटू में एक्स क्यूब प्लस का वन बाय एक्स क्यूब, और माइनस में क्या करना है, वन पावर, वन पावर क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका होता है एक्स प्लस वन बाय एक्स, क्योंकि पावर छिपा हुआ है तो वन है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग पुट करते हैं, तो इसमें क्या पुट करना है हम लोगों को फॉर्मूला, अब देखो x4 निकालना है, आपके पास दिया हुआ क्या, x प्लस वन बाई एक्स, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसका स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, उसके बाद आपका आ जाएगा ये क्या, तो तीन का स्क्वायर माइनस का टू, क्योंकि प्लस प्लस रहेगा तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से आपका सेवन। उसके बाद आपको फोर निकालना है इसका, ठीक है, तो इसका फोर करोगे तो सेम फार्मूला मैंने बताया था, इसे जो भी है उसे टी या फिर ए मान लो, उसके बाद फिर अगेन वही फार्मूला पुट कर दो, तो सेवन का स्क्वायर माइनस का टू, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 47, तो हमारा एक्स फोर क्या आ गया फ्रेंड्स, तो 47, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, और एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाल के बताया था कि एक्स क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टी क्यूब यानी कि तीन का क्यूब माइनस सॉरी प्लस निकालना है हम लोगों को, प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा थ्री टी, टी मतलब कि आपका जो गिवन होगा, तो ये क्या हो जाएगा तीन, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 18, ठीक है। यहाँ से अब जब इसे 18 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका रिजल्ट क्या देगा फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट देगा आपका, और उसके बाद सॉरी यहाँ पे 4, 7, 8 और 18 से प्रोडक्ट ये बनेगा, उसके बाद आपको माइनस कराना पड़ेगा क्या, तीन से, क्योंकि एक्स प्लस वन बाय एक्स क्या आपका तीन है, तो यहाँ से जो आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8, 4 और 3, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका था बेसिक पॉइंट जो कि अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं इस लेवल के, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको। हम लोगों ने सेवन निकालने के लिए देख लिया, और सॉरी हाँ, इसमें आपका एक और कॉन्सेप्ट पूछ सकता है आपका भी क्या,
कभी आपको माइनस में पूछ देगा। यहाँ पे जैसे कि मैं एक बार बता देता हूँ आपको, जैसे कि थोड़ा सा मैं इसमें रिव्यू दे रहा हूँ, बाकी आप इसे खुद प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें कभी क्या आपका पूछ सकता है, एक्स माइनस में वन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री दे देगा, और आपसे पूछ देगा क्या, तो एक्स का पावर फोर माइनस, हाँ नहीं सेवन ले लेता हूँ, ठीक है, वन बाई एक्स सेवन, ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछ देगा। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला वही रहेगा, फोर पावर और क्या था मल्टीप्लाई थ्री पावर इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट, और उसके बाद माइनस करना था क्या हम लोगों को, वन पावर से, ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, बट हम लोगों को इस तक पहुँच इसके तक पहुँचना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोग इसका स्क्वायर निकालो, उसके बाद आपका फोर निकालना रहेगा। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग प्लस वाला यूज़ कर रहे थे, टी स्क्वायर प्लस में टू, तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा माइनस का टू, जहाँ पे लगेगा मुझे कि ये ए माइनस बी का फॉल बुरा में टूट रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, तो ये इधर जाएगा तो ये प्लस। तो उस तरह से हम लोग जिस तरह का रिक्वायरमेंट रहेगा हम लोग उस तरह से रिक्वायरमेंट यूज़ करेंगे। आप एक बार माइनस वाले को खुद से प्रैक्टिस कर लो फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा जब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।